शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 10। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 10। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश के सिवाने पर सेलसह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है, और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण क्रूरता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां तीन जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के तीन बच्चे और दूसरा तीन रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए होगा, और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे दो रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डप, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, और जब ये चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होमबलि और मेलबलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या क्या करना है। जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीश के पुत्र को यह क्या हुआ, क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा कि तुम कहां गए थे? उसने कहा, हम तो गधियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चचा ने कहा, मुझे बता दे कि शाऊल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गधिया मिल गई, परंतु जो बात शमूएल के राज्य के विषय में कही थी वह उसने उससे उनको न बताए। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलाया। तब उसने इसराइलियों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं तो इसराइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना, और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब
शमूएल सारे इसराइली गोत्रियों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामिन के नाम पर निकली। तब वहां बिन्यामिन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहां कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हां सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कांधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा।